आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ असटेंट प्रोफेसर बाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच आप लोगों को पता है ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा चुका है सारी ब्रांचेज के बच्चों के रिजल्ट भी आ गए हैं और ज्वाइनिंग भी आ गया है लेकिन कुछ सीट्स बाद में डिक्लेयर की थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कम्प्यूटर साइंस ब्रांच के लिए उनका भी नोटिफिकेशन अभी आ गया है शॉर्ट uh, कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ गया है और uh, जल्दी ही आपको इसका शेड्यूल भी मिल जाएगा मेरे को लगता है 15-20 दिन आपके पास अभी हैं जब आपको शेड्यूल मिल जाएगा पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा आप जानते हैं योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे स्टूडेंट्स ने बहुत प्रेपरेशन किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक लेक्चरर इसकी तैयारी के लिए अनलिमिटेड मॉक्स स्नैप्स आप लगा सकते हैं टीचिंग स्किल्स लगा सकते हैं और एच वगैरह लगा सकते हैं और एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है बहुत से ऐसे केसेस पिछली बार देखने को मिले बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का और पॉलिटेक्निक लेक्चरर दोनों के इंटरव्यूज़ हुए थे और ऐसे बहुत से हमने रिजल्ट पब्लिश किए हैं स्टूडेंट्स uh, के वीडियोस पब्लिश किए हैं जिनमें स्टूडेंट्स uh, ने ये बोला कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गया था लेकिन पॉइंट सिक्स मार्क्स से मैं रह गया था और फिर मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चर में सिलेक्शन हुआ इट वॉज़ गुड कि उनका पॉलिटेक्निक लेक्चर में हो गया लेकिन ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स भी हैं जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक लेक्चर दोनों में ही नहीं हुआ बिकॉज उनका एक नंबर दो नंबर पॉइंट फाइव मार्क्स से छूट गया पंद्रह में से मार्क्स मिलते हैं अब आप सोचिए एक मिनट कि आपको पंद्रह में से जो मेरे को नॉलेज है हाईएस्ट मार्क्स तेरह मार्क्स मिले हैं एक स्टूडेंट को और बारह मार्क्स बहुत से स्टूडेंट्स बारह मार्क्स वाले भी पास हुए हैं और चार नंबर भी मिले हैं तो चार नंबर पाँच नंबर और बारह नंबर में बहुत डिफरेंस है आ, आप तैयारी देखिए पैसों के लिए अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड अगर आपको लगता है कि साहब फ़ीस देनी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है योरपीडिया पे योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे और आप ये भी जानते हैं कि योरपीडिया आपको अनलिमिटेड यू नो आपको मॉक्स स्नैप्स वगैरह प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे तरीके से मैंटरिंग करते हैं मैंटर्स तो इसके लिए ऑब्वियसली उनको कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा और आप सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत अच्छी जॉब है अगर आपका ये जॉब लग जाती है तो अपनी ओन स्टेट में आप स्टूडेंट्स को सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो हर स्टूडेंट जो मेरी ये बात सुन रहा है और जो मेरा वीडियो देख रहा है और जिसको इंटरव्यू कॉल आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरी ये एडवाइस है आपको कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका तैयारी करें और बहुत अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करें और आप इसमें सेलेक्ट होने की ट्राई करें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये बहुत अच्छा एक करियर जॉब आपके लिए मिलेगा Uh, तीन स्टेजेस होती हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन की पहली जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछता वो आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली और वहीं से स्टार्ट होता है दूसरा टीचिंग स्किल टेस्ट बोर्ड पर जाके आपको कुछ पढ़ाने को बोला जाएगा और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं डिटेल में योरपीडिया पैनल के ऊपर पिछले पाँच साल से हम लोग ये पैनल को एनरिच कर रहे हैं बहुत सा टेक्निकल स्नैप पड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट के हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्नैप्स पड़े हुए हैं दैट मीन्स आपके पास इतना अनलिमिटेड मटेरियल है तैयारी करने के लिए कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहे उसके पास पूरी ऑप्शन है लर्निंग कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है नंबर टू आपके पास जो मैंटर्स हैं टेक्निकल मैंटर्स और एच वाले मैंटर्स लगातार आपको हेल्प करेंगे इसकी तैयारी के लिए तो अगर आपका ये कॉल आया है डोंट बॉर्डर अबाउट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस विच इज़ चार्ज टू यू और अपनी तैयारी स्टार्ट करें इसमें अब जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आया है आपको जब फाइनल ये डेट शीट शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो बहुत कम टाइम होगा आपके पास तैयारी करने के लिए इसलिए मेरी एडवाइस है आप आज से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें सो दैट आप इसको कन्वर्ट कर सकें ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये इतने बच्चों का है इसमें चार सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं पाँच कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और आप एक बार इसमें ध्यान से देखना कि इसमें थाउज़ेंड लोगों में से थाउजेंड नाइन्टी थ्री में से इन्होंने फाइव ज़ीरो फ़ोर को लिया है और फाइव ज़ीरो फ़ोर में से आगे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ़ सीट्स की सिलेक्शन होनी है जितने भी कैंडिडेट्स आपके इंटरव्यू में जाएंगे उनके रिटर्न के मार्क्स आलमोस्ट सेम होते हैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता और इंटरव्यू के पाँच छः नंबर से बहुत गैप पड़ जाता है इसलिए इंटरव्यू राइटिंग स्किल एंड एच बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आप बात करेंगे जिस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप यूरपीडीएम मेंटर्स की बात ढंग से सुनेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप बारह तेरह नंबर का टारगेट रख सकते हैं और आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने प्रिपरेशन का शेड्यूल ढंग से नहीं बनाया अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किया तो आपके मार्क्स उतने नहीं बनेंगे इसलिए मेरी जेनरन एडवाइस है आप तैयारी स्टार्ट करें एंड आई एम वेरी श्योर आप इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स ले निकलेंगे और फिर बाद में आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पोस्ट निकली है आप बिहार के अलग अलग कॉलेजेज़ में अच्छे तरीके से वहाँ पर अपना करियर प्रस्यू करेंगे ऑल दी वेरी बेस्ट और स्टार्ट करते हैं जल्दी से एंड इसकी प्रपेशन हम ऑन करते हैं थैंक यू you <sweak>